आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, हमने पाठ 4 बुद्धिमान कौन अच्छे से पढ़ व समझ लिया है। तो आशा है आपने भी उसे पढ़ व समझ लिया होगा। तो आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में पुस्तक में अभ्यास कार्य करेंगे। तो पुस्तक में अभ्यास कार्य करने से पहले हमें डेट डालना होगा। तो आज की डेट क्या होगी? 6 मंथ 8 2020। और आपका पाठ है पाठ 4। ठीक है बच्चों, तो अब हम करेंगे अभ्यास। कार्य पुस्तक में तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब हम अपनी हिंदी पुस्तक गुलमोहर भाग 2 में पाठ 4 के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो जल्दी से आप अपनी हिंदी पुस्तक निकालिए। आशा है आपने अपनी पुस्तक निकाल ली होगी। अब आप उसमें पेज नंबर 28 निकालेंगे। तो अब लिखा जाए। प्रश्न 1, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। अंत में अध्यापक ने किसकी ओर देखा? आपका प्रश्न है, अंत में अध्यापक ने किसकी ओर देखा? ऑप्शन है प्रणव की ओर, अंश की ओर, अंशु की ओर। तो अब आपने पाठ तो पढ़ा ही है, तो आप सही उत्तर पर निशान लगाइए। बिल्कुल सही, अंश की ओर। आगे बढ़ेंगे। ख, कौन लज्जित हो गया? आपका प्रश्न है, कौन लज्जित हो गया? ऑप्शन है अध्यापक, अंश, प्रणव। आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, प्रणव। अब हम आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 29, प्रश्न नंबर 2, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अंश सबको प्रिय क्यों था? आपने पाठ पढ़ा है तो आपको समझ आ गया होगा, अंश सबको प्रिय क्यों था? तो आपका उत्तर होगा, अंश सबको प्रिय था क्योंकि वह बुद्धिमान था। अंश सबको प्रिय था क्योंकि वह बुद्धिमान था। तो आप जल्दी से उत्तर लिखिए। ख, अध्यापक ने श्यामपट्ट पर लकीर क्यों खींची? आपका प्रश्न है, अध्यापक ने श्यामपट्ट पर लकीर क्यों खींची? श्यामपट्ट प्लग बोर्ड, आपको पता है ना? तो चलिए उत्तर लिखते हैं। बुद्धिमानी की परख करने के लिए श्यामपट्ट पर लकीर खींची।
आपका उत्तर होगा बुद्धिमानी की परख करने के लिए श्यामपट पर लकीर खींची। बच्चों आप श्यामपट दोनों तरीके से लिख सकते हैं, तो लिखिए आपका अगला प्रश्न है ग, अंश ने लकीर छोटी कैसे की। आपका प्रश्न है अंश ने लकीर छोटी कैसे की, तो आपका उत्तर होगा पहली लकीर के बराबर में एक बड़ी लकीर खींचकर लकीर छोटी की। पहली लकीर के बराबर में एक बड़ी लकीर खींचकर लकीर छोटी की। आपका अगला प्रश्न है घ, प्रणव ने अंश से क्षमा क्यों मांगी। प्रणव ने अंश से क्षमा क्यों मांगी। आपका उत्तर होगा अपनी गलती का एहसास होने पर प्रणव ने अंश से क्षमा मांगी। अपनी गलती का एहसास होने पर प्रणव ने अंश से क्षमा मांगी। आपका अगला प्रश्न तीन, किसने कहा किससे कहा। आपको वाक्य दिए गए हैं, वह वाक्य को आपने पहचानना है कि यह किसने और किससे कहा। तो आपका पहला प्रश्न है क्या हम बुद्धिमान नहीं है, क्या हम बुद्धिमान नहीं है, यह वाक्य किसने किससे कहे। तो इसका उत्तर होगा प्रणव ने अध्यापक से, प्रणव ने अध्यापक से। अगला प्रश्न ख, पहली लकीर बिना कहीं से काटे या मिटाए छोटी हो गई। पहली लकीर बिना कहीं से काटे या मिटाए छोटी हो गई। अब ये वाक्य भी किसने किससे कहे, तो इसका उत्तर होगा अध्यापक ने छात्रों से, यानी कि सभी बच्चों से, अध्यापक ने छात्रों से। अगला प्रश्न है ग, तुमने अपनी गलती मान ली बस बात खत्म। तुमने अपनी गलती मान ली बस बात खत्म। ये वाक्य किसने किससे कहे, तो इसका उत्तर होगा अंश ने प्रणव से, अंश ने प्रणव से। तो हमने पेज नंबर 29 में प्रश्न 2 और 3 इस तरह पूरे किए। अब हम आगे बढ़ेंगे। भाषा ज्ञान, पहला प्रश्न भाषा ज्ञान। उचित स्थान पर दो तरीके से आपको यहाँ पे र दिए गए हैं, रेफ र और पदेन वाला र, तो आप इसका सही प्रयोग करके शब्द बनाएंगे, क्योंकि आपके उस पुस्तक में आपको जो शब्द दिए गए हैं वो गलत लिखे गए हैं, तो हम वहां पर सही र का प्रयोग कर शब्द बनाएंगे। तो पहला आपका क है पीय, पीय कोई वर्ड नहीं होता, कोई शब्द नहीं होता, तो इसका सही शब्द क्या होगा,
प्रिय, सही शब्द होगा प्रिय। ख आगे बढ़ेंगे, ईशा, ईशा कोई शब्द नहीं है, ये गलत है, तो इसमें भी हम सही र का प्रयोग करके शब्द बनाएंगे, ईर्ष्या, बिल्कुल सही, ईर्ष्या। आगे बढ़ेंगे ग, प्रशंसा, प्रशंसा कोई शब्द नहीं होता, शब्द को बनाएंगे र का यूज करके, प्रशंसा, प्रशंसा। आगे बढ़ेंगे घ, मुख, आपने पाठ में ये शब्द पढ़ा है, मुख, ये कोई शब्द नहीं है, शब्द में र का प्रयोग करके शब्द बनाएंगे, मूर्ख। आगे बढ़ेंगे पणव, पणव कोई शब्द नहीं है पाठ में, तो सही शब्द होगा प्रणव। आगे बढ़ेंगे च, सवत्र, सवत्र, तो सवत्र कोई शब्द नहीं है, हम इसको सही लिखेंगे सर्वत्र, हम लिखेंगे सर्वत्र। तो बच्चों अब हम पेज नंबर 30 की ओर चलते हैं। प्रश्न 2, वाक्यों में रंगीन शब्द किसके लिए आए हैं, लिखिए। वाक्यों में रंगीन शब्द किसके लिए आए हैं, लिखिए। तो पहला क, अध्यापक अंश को बुद्धिमान मानते थे, उससे बेहद प्यार करते थे, तो लाल अक्षर में, रंगीन अक्षर में आपको एक शब्द दिया गया है उससे, यह किसके लिए बोला गया है, आपको उत्तर पहले से दिया गया है अंश के लिए। तो इसी तरीके से अब हम आगे के प्रश्नों को करेंगे। ख, प्रणव ने अध्यापक से पूछा कि क्या मैं बुद्धिमान नहीं हूं। यहां पर लाल अक्षर में मैं दिया गया है, तो ये मैं शब्द किसके लिए बोला गया है, सोचिए। बिल्कुल सही, प्रणव के लिए। आगे बढ़ेंगे ग, प्रणव की बात सुनकर अध्यापक मुस्कुरा दिए, उन्होंने श्यामपट पर एक लकीर खींच दी। तो यहां पर भी लाल अक्षर में शब्द लिखा गया है उन्होंने, तो ये उन्होंने शब्द किसके लिए बोला है यहां पर, अध्यापक के लिए, अध्यापक के लिए। आगे बढ़ेंगे अंश उठा और उसने श्यामपट पर एक बड़ी लकीर खींच दी, लाल अक्षर में शब्द दिया है उसने, अब कौन उठा और उसने श्यामपट पर एक बड़ी लकीर खींच दी, आपको पता है ना अंश उठा, तो उसने शब्द किसके लिए बोला गया है, अंश के लिए, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे यह देखकर प्रणव लज्जित हो गया, वह अंश के पास गया, अब यहां पर वह किसके लिए बोला गया है, कौन लज्जित हो गया, तो यहां पर वह किसके लिए बोला गया है, प्रणव के लिए। तो बच्चों वाक्यों में रंगीन शब्द नाम की जगह पर आए हैं, जो शब्द नाम की जगह पर आए हैं इन्हें सर्वनाम
कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 30 में ही ये आपको दिया गया है, पढ़िए समझिए और तीन तीन शब्द लिखिए। पढ़िए समझिए और तीन तीन शब्द लिखिए। यहाँ पे आपको मात्राएं दी गई हैं ए, ए, ओ और औ की, और आपको यहाँ पर शब्द भी दिए गए हैं इन्हीं मात्राओं से, तो आपको अतिरिक्त तीन तीन शब्द और लिखने हैं। तो ए की मात्रा से सबसे पहले हम शब्द बनाएंगे, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। शेर, मेला, करेला, ये आपके ए की मात्रा के शब्द हैं। अगले में ए की मात्रा, मेला, बैल, पैदल, ओ की मात्रा के शब्द, शोर, मोर, मोटा, औ की मात्रा से बनाएंगे, मौन, बौना, खिलौना। तो इस तरीके से हमने मात्राओं से तीन तीन शब्द लिखे। तो बच्चों चलते हैं प्रश्न चार की तरफ। प्रश्न चार है, वर्णों को अलग अलग लिखिए। वर्णों को अलग अलग लिखिए। तो पहला आपका शब्द है सम्मान। सम्मान शब्द है और अब हम इसे अलग अलग लिखेंगे। इसमें वर्णों को हम अलग अलग करेंगे। तो पहला तो आपको करके बताया है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। स, स में हलंत, अ, म, म में हलंत, म में हलंत, आ, न में हलंत और अ। स्वर और वर्ण दोनों मिलकर के बन गया सम्मान। तो इसी तरह से अब हम नीचे दिए गए शब्दों को पूरा करेंगे। तो आपका शब्द है ईर्ष्या। अब इसमें भी हम वर्ण और स्वर दोनों को अलग करके लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। ई, र, र में हलंत, श, श में हलंत, य, य में हलंत, आ, शब्द बन गया ईर्ष्या। अगला शब्द है लकीर। अब लकीर को भी हम इसी तरह से लिखेंगे। शुरू करते हैं। ल, ल पे हलंत, अ, क, क में हलंत, बड़ी की मात्रा, र, र में हलंत और अ, तो शब्द बन गया लकीर। अगला शब्द है लज्जित। तो शुरू करते हैं। ल, ल पे हलंत, अ, ज, ज पे हलंत, ज, ज पे हलंत, छोटी की मात्रा, त, त पे हलंत और अ, शब्द बन गया लज्जित। अगला शब्द है श्यामपट। तो इसे भी करेंगे, श, श पे हलंत, श, य, य पे हलंत, आ, म, म पे हलंत, अ, प, प पे हलंत, अ, ट, ट पे हलंत, ट, ट पे हलंत और अ, तो शब्द बन गया श्यामपट। तो इस तरह से हमने वर्णों को अलग अलग लिखकर अपना काम पूरा किया। तो बच्चों चलिए अब हम एक छोटी सी गतिविधि कर लेते हैं। हमने पाठ तो पढ़ लिया है, उसका अभ्यास कार्य भी कर लिया है, तो अब हम एक छोटी गतिविधि करेंगे जिसमें हम अपने बुद्धिमानी की परीक्षा लेंगे।
तो इसका शीर्षक है भूल भुलैया। क्या आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं? मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और आपको उनके जवाब देने होंगे। क्या आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं? तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ऊंट की बैठक हिरण की चाल, ऊंट की बैठक हिरण की चाल, उसे ना तो दुम है ना है बाल। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, अब आप सोचिए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो बच्चों सोच लिया आपने, ऊंट की बैठक हिरण की चाल, उसे ना तो दुम है ना है बाल। अब आपका समय खत्म हो गया, चलिए उत्तर जानते हैं। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? मेंढक। यस, इसका उत्तर है मेंढक। अब बढ़ेंगे प्रश्न दो की तरफ। फिर से बुद्धिमानी की परीक्षा होगी। सिर पर ताज गले में थैला, सर पर ताज गले में थैला, उसका नाम बड़ा अलबेला। सोचो सोचो जल्दी से। तो इसका उत्तर क्या होगा? सोचा आपने? सिर पर ताज गले में थैला, उसका नाम बड़ा अलबेला। तो इसका उत्तर है मुर्गा। इसका उत्तर क्या है? मुर्गा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, 2 इंच का मनीराम, 2 इंच का मनीराम, 2 गज की पूंछ, 2 गज की पूंछ, जहां जाए मनीराम वहां जाए पूंछ। जल्दी से सोचिए क्या होगा इसका उत्तर। मैं फिर से प्रश्न को पढ़ती हूँ। 2 इंच का मनीराम, 2 गज की पूंछ, जहां जाए मनीराम वहां जाए पूंछ। तो अब इसका उत्तर होगा सुई धागा। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है सुई धागा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 4, चढ़े नाक पर पकड़े कान, समझ तो आप गए होंगे। चढ़े नाक पर पकड़े कान, बोलो प्यारो कौन शैतान। थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। चढ़े नाक पर पकड़े कान, बोलो प्यारो कौन शैतान। तो इसका उत्तर होगा चश्मा। बिल्कुल सही, इसका उत्तर होगा चश्मा। हमने अपनी पहेलियां सुलझा दी, तो अब आप इस पहेली को A4 शीट पर लिखेंगे और साथ में उसका चित्र भी बनाएंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों इस तरह से हमने अपने पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा किया। मैं आशा करती हूँ
कि आप वीडियो के माध्यम से अपने कार्य को पूरा करेंगे और दी गई गतिविधि को सुंदर अक्षर में A4 शीट पर लिखेंगे व उसे संभाल कर रखेंगे। Till then, stay home, stay safe. Bye-bye.